इस तरह के भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं, वनडे एग्जाम में भी आपके पूछ लिए जाते हैं, और आईएएस हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उनके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी आप लोग इन आंकड़ों को डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। किसे? सेप्टेम्बर को, जो अभी आ गया है ना सितंबर, इसी माह में आप पोषण माह के रूप में मनाते हैं। तो ये 2018 की बात से शुरू हुआ है। भारतीय कृषि फंड को प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों से संबंधित पूरी जानकारी रखने के लिए मनाया जा रहा है इसे। एक बात आप जानिए कि पोषण माह, सीधा सा आप जानिए कि एक तरह से सबके लिए, आप सोचिए, नियमित डाइट एक सहूलियत से आसान तरीके से मिल जाए, डाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि खाने की, समझ रहे हैं आप लोग? तो उन्हीं को देखा जाता है कि आप देखते हैं कि आपको दाल भी मिलनी चाहिए, आपको सभी प्रोटीन भी, आपको मतलब आप सोचिए विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसी के प्रति एक तरह से आप कह सकते हैं कि जागरूकता बढ़ाने के लिए, कि आप देखेंगे प्रत्येक जिले में, भारत के जितने भी जिले हैं, इनमें पैदा होने वाली फसलों उनके पोषण मूल्यों से संबंधित पूरी पूरी जानकारी रखने के लिए इसे मनाया जाता है। पोषण माह के बारे में बात करूं तो इसमें महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें पेशावपूर्ण देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, विवाह की सही उम्र, स्वच्छता और साफ सफाई तथा स्वस्थ स्वस्थ भोजन आदि शामिल किए जाते हैं। ये गतिविधियां सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार पर ध्यान केंद्रित करती हैं और तथा जन आंदोलन दिशा निर्देशों पर आधारित होते हैं। अगर आपके जो सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार है, इसमें ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए संचार दृष्टिकोण का एक राजनीतिक उपयोग है, जन आंदोलन पोषण अभियान के तहत रणनीतियों में से आपका एक है। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक खाद्य और पोषण प्रश्नोत्तरी तथा साथ ही मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी इसके तहत। इसके अलावा आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी भी आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं? पोषण अभियान की बात करें तो इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी आप लोग जानते हैं। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण का अर्थ होता है कि समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री व्यापक योजना। इसकी शुरुआत की बात करें अगर हम लोग, इसे प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। एक बात और आप याद रखिए, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। लक्ष्य यानी कि उद्देश्यों की बात करें तो इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक स्टंटिंग और कम वजन, जन्म के वक्त और शिशु में वजन कम, प्रत्येक में प्रति वर्ष 2% की और युवा बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया प्रत्येक में प्रति वर्ष 3% की कमी लाना इसका मेन लक्ष्य है। स्टंटिंग को कम करने का न्यूनतम लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 2%, परंतु यह मिशन इसे 2016 के 38.4% से वर्ष 2022 तक 25% तक कम करने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा कि किसानों की आय की बढ़ाने की भी बात की जा रही है 2022 तक दुगनी करने की। तो ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अगर आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं दिवस तो आप इन्हें याद रखा करिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके इनसे भी पूछ लिए जाते हैं। इनकी थीम भी जो हुआ करे उनकी थीम भी याद रख लिया करेगा, ठीक है? और पहली बार कब मनाए गए, किस लिए मनाए जाते हैं, इनके बारे में भी सामान्य एक जानकारी रखना जरूरी होती है।